सभी को डॉक्टर राजीव रंजन का नमस्कार। आज मैं आपके सामने लाया हूं एक दवा जिसका नाम है टोफासिटिनिब। टोफासिटिनिब एक अर्थराइटिस और ऑटोइम्यून बीमारियों की इम्पॉर्टेंट दवा है। ये एक दोधारी तलवार है। अगर सही समय पे इस्तेमाल किया जाए तो बहुत फ़ायदे होते हैं, अगर सही इस्तेमाल ना किया जाए तो बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि टोफासिटिनिब क्या है, कब लेनी चाहिए, इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और कौन कौन लोगों को ये दवा नहीं लेनी चाहिए, और बिना रूमाटोलॉजिस्ट के सलाह के बिना ये दवा लेना खतरनाक हो सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये दवा। टोफासिटिनिब एक टारगेटेड सिंथेटिक डीमार्ड है। कहने का मतलब एक पर्टिकुलर एंजाइम जिसका नाम है जैनस काइनेज हमारे बॉडी में, उसको ये ब्लॉक करता है, जिसके कारण जो गठिया में सूजन और दर्द और इन्फ्लामेशन होता है वो कंट्रोल होता है। सो इसको हम टारगेटेड सिंथेटिक डीमार्ड बोलते हैं। ये पेन किलर नहीं है, ना ही ये स्टेरॉयड है। इसके जो एक्शन है वो आने में 3 दिन से 2 हफ्ते लग सकते हैं। कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं इसको? ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, सोरियाटिक अर्थराइटिस में, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस में या कुछ ऑटोइम्यून बीमारियाँ हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। जब बीमारी फर्स्ट लाइन दवाई से कंट्रोल नहीं होती है तो ये दवाई यूज़ की जाती है, तो इसीलिए यूजुअली हम इसको सेकेंड लाइन ड्रग बोलते हैं। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? कॉमन साइड इफ़ेक्ट है इन्फेक्शन होना। ये दवाई इम्यूनिटी कम करती है तो इन्फेक्शन होने का रिस्क है। गैस्ट्राइटिस होना, पेट में गैस बनना, एसिडिटी बनना, ये कॉमन है। लीवर में सूजन होना, किडनी में सूजन होना या फिर ब्लड सेल्स कम होना या फिर हेडेक होना, ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। कुछ इसके सीरियस और स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे हर्पीज जॉस्टर होना, एक तरह का स्किन की बीमारी है जिसमें रैश आ जाते हैं बॉडी में। दूसरा इंपॉर्टेंट, टीबी का रिस्क बढ़ जाना, क्योंकि इंडिया में टीबी बहुत कॉमन है तो ये दवाई इम्यूनिटी कम करती है और टीबी के रिस्क बढ़ जाते हैं। डीबीटी होना, मतलब खून की नलियां बंद होना, अचानक से सांस फूलना और जो हमारे लंग्स के फेफड़े में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें भी ब्लॉक आना, हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ा देता है। जो हमारे आंतों में सूजन है वो भी सीवियर हो सकता है। सो ये कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं। कहाँ नहीं लेना चाहिए, कौन कौन से ऐसे मरीज हैं जिनको ये दवा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो खतरनाक हो सकता है। पहला, अगर कोई आपको इन्फेक्शन है तो ये दवा नहीं लेनी चाहिए। अगर आप ले रहे हैं और इन्फेक्शन हो जा रहा है तो दवा बंद करें, तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर किसी को कैंसर है पहले से तो उसको नहीं देनी चाहिए। अगर आपको डीबीटी, ब्लड वेसल बंद होने वाली कुछ बीमारी है तो उसमें नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और हार्ट की बीमारी है तो नहीं लेना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, लैक्टेशन बच्चा फीड कर रहा है तो ये दवा नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको सीरियस लीवर की, किडनी की बीमारी है तो नहीं लेना चाहिए। अगर आपके ब्लड सेल्स जैसे हीमोग्लोबिन बहुत कम है, प्लेटलेट बहुत कम है तो ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम ये दवा देने के पहले देखते हैं पेशेंट्स में। अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी, सी, HIV पॉजिटिव है तो ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदा है कि ये बहुत ही हाई बीमारी, मॉडरेट टू सीवियर जो गठिया इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस होता है उसको कंट्रोल करता है। नुकसान मैंने बता दिया। सो बहुत ज़रूरी है कि ये दवा जब ले तो पांच चीज़ों को जरूर नोटिस करें, और ये 5 चीज़ें जरूर याद रखें। पहला, बिना रूमेटोलॉजिस्ट के सलाह के ये दवा लेना सही नहीं है। सो रूमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर सलाह लें कि कब लेनी चाहिए। दूसरा, क्योंकि ये दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो जब भी ये दवा हो तो टाइमली अपने खून का जाँच कराएँ और रेगुलर अपने डॉक्टर के कंसल्ट में रहें। तीसरा इम्पॉर्टेंट, ये सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स करा सकती हैं तो इसका खुद से इस्तेमाल बिना जांच के और बिना डॉक्टरी सलाह के ना लें। ये दवा सेकेंड लाइन की दवाई है, फर्स्ट लाइन की दवाई नहीं है। सो जब भी आपको अर्थराइटिस हो तो तुरंत ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। पहले हम ज़्यादा से फर्स्ट लाइन की दवाइयाँ देते हैं, उसके बाद कंट्रोल नहीं होता है अर्थराइटिस तो ये सेकेंड लाइन की दवाई देते हैं। ये दवा लेते समय रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। सो आशा करता हूँ टोफासिटिनिब के बारे में ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी
आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो ये वीडियो लाइक करें, मेरे इस मेडग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं आपको अर्थराइटिस और ऑटोइम्यून बीमारियों के बारे में बताते रहता हूँ और बहुत ही साइंटिफिक और रिसर्च के अनुसार जो इन्फॉर्मेशन होता है, नॉलेज होता है, वो आपसे शेयर करता हूँ। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।